हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम और एक और व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। आप सब सोच रहे होंगे कि ये सुबह से क्या हो रहा है। तो यार एक्चुअली मैं पहले आपको व्लॉग्स में बता भी चुका हूँ कि यार मेरी ना तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब रहती है काफ़ी दिनों से। रात भी तबीयत ख़राब थी और परसों, मतलब दो दिन हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और रात को नींद भी नहीं आ पा रही थी बिल्कुल भी। सो आई डिसाइडेड के चेक इट आउट कि क्या चल रहा है, क्या अंदर सिस्टम, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी डॉक्टर के पास गए, लेकिन डॉक्टर से पहले जाने के बाद चूँकि मुझे फीवर रहता था थोड़ा थोड़ा और सांस का थोड़ा प्रॉब्लम और इस तरह का चक्कर चल रहा था, तो मैंने पहले टेस्ट करवाया मलेरिया का और टाइफाइड का। आई जस्ट गॉट कन्फर्म दैट के मुझे टाइफाइड है और फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और उसने फिर मेडिसिन वगैरह दी और यकीन दिलाया कि भैया कुछ नहीं होने वाला, एकदम मस्त रहने का, झकास रहने का। मैंने कहा ठीक है, ओके, लेट्स सी। मेडिसिन वगैरह ले ली है क्योंकि मुझे टाइफाइड है। मैं आज बस आपसे यही शेयर करना चाहूँगा कि टाइफाइड कैसे होता है। टाइफाइड देखें, ऐसे होता है कि जब आसपास आपके सफाई नहीं होती, ठीक है, आप मोस्टली हैंड वॉश नहीं करते, ठीक है, या फिर आप बाहर का खाना खा रहे होते हो जो कि पता नहीं कैसे बन रहा होता है, या पानी साफ नहीं पी रहे होते, ये मेन रीजंस होती हैं इसकी, टाइफाइड की। और ये टाइफाइड भी इज़ एन इन्फेक्शन टाइप थिंग, जैसे कोरोना है उसी तरह का, मतलब लाइक उसी तरह का नहीं है लेकिन डेफिनेटली इन्फेक्शन ही है। तो अब ये है कि इससे इसका जो सिम्पटम्स है वो यही है कि आपको थोड़ा सांस में, गले में ना रैशेज आने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो रैशेज मुझे काफ़ी रहते थे, एक तो ये होता है, दूसरा ये कि फीवर आपको होता है। तो ये मेरे ख्याल में इन चीज़ों से पता चल जाता है कि टाइफाइड है और ये काफ़ी अरसे से था। और मुझे नाक पे ख़ारिश हुई थी स्टार्ट में और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस लिए हो रही है, किस लिए नहीं हो रही। मेरे ख्याल से ये उसी की वजह से ही हुई थी। ये चीज़ है जी, और इससे आप बच्चे ऐसे ही सकते हैं क्योंकि मैं, आपको पता है कि हॉस्टलाइट हूँ, मतलब मुल्तान में घर है लेकिन स्टिल हम बाहर का खाना खाते हैं। बाहर का खाना खाते हैं तो डेफिनेटली वो क्या कहते हैं, कोई पता नहीं होता किस तरह से बन के आ रहा है हमारे पास, किस तरह से उसको बनाया गया, क्या वो साफ़ सुथरे अच्छे तरीके से बनाया गया या फिर, या मतलब किस तरह से बना, कोई कंफर्म नहीं होता। और पानी डेफिनेटली वहाँ पर कोई फ़िल्टर वगैरह तो नहीं होता, लेकिन अब थोड़ा ख्याल रखेंगे पानी का। मुझे नहीं पता किस वजह से हुआ है, सफाई की वजह से हुआ है, खाने की वजह से हुआ है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बेशक आपको कोई बीमारी हो या ना हो, या कोरोना हो या ना हो, साफ़ सुथरे रहें और अच्छा खाना खाएं और कोशिश किया करें कि पानी भी फ़िल्टर वाला ही पिएं, या तो मिनरल वाटर हो या कोई फ़िल्टर वाला हो, साफ़ सुथरा पानी हो और अच्छा खाना हो। ज़्यादा बाहर के खाने से परहेज़ करें और जी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। प्रे फॉर मी, जल्दी से सेहतयाब हो जाऊँ इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले व्लॉग में अगली कहानी के साथ। अभी के लिए ये है कि मेरा पैगाम ये है कि यार अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।